क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम डॉक्टर अक्सा। डॉक्टर अक्सा आप किस चीज की डॉक्टर है? एनेस्थीसिया। अच्छा, बेहोश करने आते हैं। अच्छा मैडम, प्रैक्टिस करती हैं माशाल्लाह? जी बिल्कुल। वेरी नाइस। घर में कभी हस्बैंड बेहोश किए हैं आपने? नहीं नहीं सर, अभी है नहीं, होंगे तो। इरादा है आप? कोई सवाल पूछेंगे? सवाल मेरा गोहर सर से है। सर आपने इतने नेगेटिव करेक्टर्स किए हैं, तो अगर आपको किसी पॉलिटिशियन का करेक्टर करने को मिले या रोल करने को मिले तो आप किनका करना चाहेंगे? कोई बायोपिक करना चाहते हैं किसी पॉलिटिशियन की? अगर बने बने हाँ। तो किसकी पे लगता है आपको सूट करेगी? सब पे भारी आसिफ सरदार। आसिफ सरदार। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने जिंदगी में 200-250 इंटरव्यू किए। मुझे जितना फिल्म इंडस्ट्री से मैं पूछता हूँ पॉलिटिशियन, ये तो काफी लोग, मतलब मेजोरिटी में कहूंगा कि जरदारी साहब से इंस्पायर्ड होते हैं। हाँ। कि शायद उनकी पर्सनालिटी ऐसी है जो इंस्पायर कर देती है। नहीं 100%, मुझे तो बहुत इंस्पायरिंग लगती है एज एन एक्टर। एज एन एक्टर मुझे उनकी पर्सनालिटी बहुत इंस्पायरिंग लगती है, और फॉर अ बायोपिक मेरे ख्याल से कमाल होगी। वो जितने अप एंड डाउन उनकी लाइफ में हैं उन्होंने देखे, सच्ची बात है, जो सच्ची बात है वो एक अच्छी बायोपिक बनेगी। सो एज एन एक्टर डेफिनेटली आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट। उनको चलाना आता है? अनऑर्गेनाइज्ड ये है हमारा कंट्री, वो ही चला सकते हैं।